नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज गुरु नानक जयंती, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व, जो आज बड़े धूमधाम से देशभर में मनाया गया। इसी कड़ी में वसई के आनंद नगर में स्थित गुरुद्वारा में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कई लोगों ने मत्था टेका और अपनी गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी मनोकामनाएं मांगी और देश में अमन और शांति के लिए दुआएं की। साथ ही साथ गुरुद्वारा कमेटी द्वारा एक G+7 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की गई। यह हॉस्पिटल, आपको बता दें, गुरुद्वारा कमेटी द्वारा यशवंत स्मार्ट सिटी मधुबन में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को रखे जाने के बाद में गुरुद्वारा कमेटी ने लोगों से यह आह्वान किया कि आप जो चाहे वो इसमें दान दे सकते हैं। यह अस्पताल जो बनेगा, ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जो हर एक जाति के लोगों के लिए खुला रहेगा और सभी को वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस में यह अस्पताल संचालित किया जाएगा, जहां पर बेहद सस्ती दरों में कम रेट पर लोगों का इलाज मुहैया करवाया जाएगा, ताकि लोगों की सेवाएं की जाए। इससे इस अस्पताल से किसी तरह का प्रॉफिट कमाने का कोई मकसद नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करना मकसद है। हम सभी जानते हैं कि सिख समुदाय सेवा में सबसे आगे समुदाय में से एक समुदाय है। सिख समुदाय का लंगर भी काफी प्रचलित है। उसी तरह से वसई के सिख भाइयों ने ये एक नई योजना लागू की और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने की योजना इन्होंने अमल में लाए हैं। इस गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरान में सरदार परमिंदर सिंह, जो कि सरदार परमिंदर सिंह चड्डा जो कि सेक्रेटरी है, सरदार छोटू आनंद जो कि वसई विरार के माजी नगर सेवक है और कमेटी मेंबर है, सरदार कवलजीत सिंह सेठी जो कि कमेटी मेंबर है, सरदार शेरी चड्डा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ सरदार मंजीत लांबा जो कि कमेटी मेंबर है, सरदार शंटी आनंद जो कि कमेटी मेंबर है, सरदार सतपाल सिंह सेठी जो कि कमेटी मेंबर है। इन सभी मेंबरों ने गुरुद्वारा में आने वाले हरेक लोगों को शुभकामनाएं दी और अपनी तरफ से आह्वान किया कि जो बन सके आपसे इस अस्पताल के लिए अनुदान, अपना दान डोनेशन कीजिए। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा जो पैम्पलेट्स छपाए गए हैं, उन पैम्पलेट्स के ऊपर डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप अपना दान इस अस्पताल के लिए कर सकते हैं। बैंक डिटेल भी है, UPI और पूरा प्रोसीजर उसमें है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। और आज प्रकाश पर्व पर इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया है, उसको मुहिम को आज शुरुआत हुई है, उसको अंत तक ले जाने में हमको भी सहयोग करना चाहिए। ऐसी ही कामनाएं, एक बार फिर देशवासियों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, आप लोग का प्रोग्राम क्या था आज? आज हमारा जो है गुरु नानक जयंती है, 553वां जो है आज गुरु नानक का जो बर्थ, जो अवतार दिवस है, आज हम लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम परमिंदर सिंह। और आप लोग हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात कर रहे थे? हॉस्पिटल के बारे में हमारे मंजीत जी बताएंगे अभी आपको। सर, आपका नाम? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी। मेरा नाम मंजीत सिंह लांबा है।
जो है ये गुरुद्वारा की तरफ से जो हॉस्पिटल बन रहा है ये गुरुद्वारा की वसई संगत की वजह से बन रहा है। और ये जो सर्फ धर्म के लिए मंदिर कहाँ पे बन रहा है? हाँ जी, कहाँ पे बन रहा है ये? वसई ईस्ट में, स्मार्ट सिटी वसई ईस्ट में बन रहा है। ओके। और ये जो है ये 7+ ग्राउंड+7 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी जिसके ऊपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा जो ये हर तरीके के इलाज के लिए करेगा। और इसकी ऑलरेडी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और बहुत जल्द वहां पर इसका काम शुरू हो जाएगा भगवान की कृपा से। और ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इसमें सुविधा किसी किस चीज की रहेगी इसमें? हाँ जी, इसमें सुविधा किसी किसी चीज की रहेगी? किसी भी तरीके के जो भी किसी का रोग होगा उसके लिए यहाँ पर इलाज होगा। और ये जो मशीनें आएंगी अपडेटेड मशीनें आएंगी, नई बिल्कुल आधुनिक मशीनें यहाँ पर सब किया जाएगा और वहाँ पर रहने सुविधा रहेगी साथ में। और तकरीबन 200 कमरों का ये हॉस्पिटल बनेगा जिसमें आईसीयू वगैरह के साथ में, एमआरआई के साथ में, हर तरीके का। सर उसका नाम क्या है हॉस्पिटल का पूरा? श्री गुरु हर किशन साहेब जी हॉस्पिटल के नाम से ये बना है। ये सिख धर्म के 8वें गुरु थे जिन्होंने ये इसके हिसाब से नाम के हिसाब से गुरु का नाम से, और इनका नाम श्री गुरु हर किशन साहेब है। और ये जो हमारे ये 10वें गुरु हैं, सॉरी जो हमारे ये पहले गुरु हैं, इनकी ये 8वीं जोत है, उनके नाम पे ये हॉस्पिटल बन रहा है। और ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये सर्व धर्म के नाम पे बन रहा है, ये सिर्फ सिख धर्म का नहीं है। और ये वसई के लिए ग्राउंड+7 एक ऐसा माइलस्टोन बन जाएगा जो कि सारे जगह पर सबके लिए ये सर्व धर्म के लिए काम आएगा, मानवता की सेवा के लिए ये जो है। और आज के टाइम में वसई के अंदर जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा सुविधा की जरूरत थी, जो हॉस्पिटल की जरूरत थी। और ये जो वसई की संगत ने या देश विदेश की संगत ने जो ये आज उपराला किया है, जो ये इन्होंने काम अपने नाम पे लिया है, ये भगवान उसको सहायता करे, भगवान इसको पूरा सक्सेस करे, ये हमारी अरदास है। आज गुरु नानक देव जी के जन्म के दिन के मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। और ये बधाई के हिसाब से मैं आपसे अपील करता हूँ कि जो भी आप इसमें सहयोग देना चाहते हैं, आप कैश में देना चाहते हैं या कोई सामान में देना चाहते हैं, सरिया में देना चाहते हैं, सीमेंट में देना चाहते हैं, कोई मशीन में देना चाहते हैं, बेड में देना चाहते हैं, वो आप अपना सहयोग दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम लोग ये जो गुरुद्वारा का है, ये गुरुद्वारे का जो ये हॉस्पिटल बन रहा है, इसको हम लोग बहुत जल्दी शुरू करके मानवता की सेवा के लिए इनको हम लोग आगे आके इस हिसाब से करें। और ये जो हॉस्पिटल बनेगा ये हॉस्पिटल के हिसाब से इतना आधुनिक मशीनों के साथ में बनेगा कि किसी को भी बॉम्बे जाने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वसई का इतना आज डेवलप हो गया, इतना जो विस्तार हो गया, उसमें लिए ऐसी चीजों की एजुकेशन की बहुत जरूरत थी और साथ में इसमें हमारी मेडिकल लाइन की बहुत जरूरत थी। क्योंकि जब तक कि कोई रोगाणु को, रोग को जब तक हम दूर करने के लिए एक एक जगह पर हमारे पास कोई जगह नहीं होगी तो हम लोग ये चीज के लिए उपराला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सहयोग जो वसई गुरुद्वारा का, ये जो संगत का सहयोग है, देश विदेश की संगत का जो हम लोग को सहयोग मिल रहा है, हम उनका सबका आभार प्रकट करते हैं ताकि हमें ये इन्होंने सहयोग दिया है। और आगे भी उनसे उम्मीद करते हैं और आगे भी उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दीजिए ताकि ये जो हम लोग ये जो सारी संगत ने मिलके जो सब धर्म के हिसाब से जो ये हॉस्पिटल बन रहा है वो हॉस्पिटल में सबके लिए जो है वो आज सुविधा हो जाए ताकि किसी को भी भगवान ना करे कभी मेडिकल की जरूरत हो तो, लेकिन उनके लिए सुविधा के लिए यहाँ पर मेडिकल का एक हॉस्पिटल बन रहा है। मैं आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और साथ से आपको सहयोग के लिए अपील करता हूँ कि आप अपने हिसाब से जो माया दे सकते हैं, जो कैश दे सकते हैं, जो सामान दे सकते हैं, किसी भी तरह की जो सेवा, सीमेंट, सरिया जो भी दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, जो अंदर का और सामान है वो दे सकते हैं, वो दीजिए ताकि ये मानवता के जो काम आए, मानवता की सेवा के काम आए। अच्छा, धन्यवाद। हॉस्पिटल में जो कॉमन आप लोग जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, उनके जैसे ही फीस वगैरह होंगी नॉर्मल पब्लिक के लिए कि आप लोग? नहीं सर, इसके लिए सहूलियत होगी, इसके लिए जो होगी बहुत सहूलियत होगी। ये जो है ये हॉस्पिटल जो बनेगा ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पे बनेगा। इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या जो हॉस्पिटल की कमेटी है इसमें कोई प्रॉफिट लेने की नहीं करेगी और जिसको भी जरूरतमंद को इसमें होगा उसका इलाज किया जाएगा। और उसके इलाज से भी जो मेडिसिन भी है वो मेडिसिन भी इनको कम से कम भाव में, वर्ल्ड के कम से कम भाव में उनको मेडिसिन भी मिलेगी। और हर तरीका की जो सुविधा होगी वो पूरे की पूरी सहायता के हिसाब से होगी, मानवता की सेवा के लिए होगी। ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये हॉस्पिटल में किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाएगा और ये सिर्फ सेवा के लिए हॉस्पिटल बन रहा है। धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ।
बोले सो निहाल। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।